Hey guys, this is Sonu Alawat. लेकर आ चुका हूँ आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। यानी कि फ्रेंड्स एसएससी के थ्रू दिल्ली पुलिस के अंदर कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट के ऑपर जबरदस्त वैकेंसीज आ चुकी है। देखिए फ्रेंड्स ऑल इंडिया की वैकेंसी है और मेल कैंडिडेट के लिए सबसे बेस्ट पोस्ट रहने वाली है। तो आगे इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल से बात करने वाले हैं। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर आपको अच्छे से समझाऊंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट क्या मांगी हुई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा हुआ है, साथ ही इसके फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे कि इसमें रनिंग लॉन्ग जंप हाई जंप वगैरह कितना रखा हुआ है, हाइट कितनी मांगी गई है, चेस्ट इसमें कितनी मेजरमेंट होगी, क्लियर है। साथ ही एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका डिटेल सिलेबस टॉपिक वाइज आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात करेंगे, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निकली है, अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है फॉर्म जरूर अप्लाई करिएगा। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं, आखिर तक जरूर देखिएगा अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं। फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं, फ्रेंड्स अब आप वीडियो सक्सेस की तीनों सबसे बेस्ट बुक को एक साथ एक ही कॉम्बो में परचेज कर सकते हो। यानी कि लास्ट 12 मंथ्स की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर का बुक और वीडियो सक्सेस की दोनों सबसे बेस्ट जनरल अवेयरनेस की बुक को अगर आप एक साथ एक कॉम्बो में परचेज करते हो तो आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स इन तीनों बुक के इस कॉम्बो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लीजिएगा, वरना आप बुक्स को फ्लिपकार्ट से भी परचेज कर सकते हो। और बुक को परचेज करके धुआंधार प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए क्योंकि काफी सारी अच्छी अच्छी वैकेंसीज आ चुकी है। तो चलिए फाइनली बढ़ते हैं अपनी वैकेंसी की तरफ। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं, ये वैकेंसी एसएससी के थ्रू दिल्ली पुलिस के अंदर कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट के ऊपर निकली हुई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर 1411 निकली हुई है जो कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाइज डिवाइड की हुई है। फ्रेंड्स ये वैकेंसीज ऑल इंडिया की वैकेंसी है। फाइनली बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। फॉर्म इसके ऑलरेडी कल से यानी कि 8 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 29 जुलाई रखी गई है। एग्जाम जो आपका होगा वो अक्टूबर 2022 के अंदर होने वाला है। फाइनली फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए ₹100 फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं, एसटीएससी या फिर किसी अदर कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए गए हैं। फाइनली बढ़ते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। सबसे पहले इसकी एज लिमिट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स एज लिमिट जनरल वालों के लिए मिनिमम 21 ईयर रखी गई है, मैक्सिमम 30 ईयर रखी गई है। सीधा सीधा समझ लीजिए यानी कि अगर आपका जन्म 2 जुलाई 1992 से लेकर 1 जुलाई 2001 के बीच में हुआ है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ओबीसी एसटीएससी वालों को अपनी एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलेगा, एसटीएससी वालों को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बाकी जो एक्स सर्विस मैन या फिर अदर रिजर्व कैटेगरी है उनको भी एज के अंदर अच्छा खासा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। फ्रेंड्स इस वैकेंसी के अंदर कौन स्टूडेंट रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा सकते हैं ये समझ लीजिए। फ्रेंड्स अगर आप दिल्ली गवर्नमेंट की किसी रिजर्व कैटेगरी की लिस्ट में आते हैं तो आपको इस वैकेंसी के अंदर रिजर्वेशन देखने को मिल जाएगा, या फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी रिजर्व कैटेगरी की लिस्ट में आते हैं जैसे कि आप ओबीसी एसटीएससी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की लिस्ट में आते हैं तो भी आपको इस वैकेंसी के अंदर रिजर्वेशन देखने को मिल जाएगा। बाकी जो अदर स्टेट के कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी में ही काउंट होंगे, क्लियर है। फाइनली बात कर लेते हैं भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए फ्रेंड्स अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए जो कि फॉर्म की लास्ट डेट से पहले बना होना चाहिए। फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, 29 जुलाई, तो 29 जुलाई 2022 से पहले बना हुआ आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। साथ ही आपको हैवी मोटर की ड्राइविंग करने की भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो वो बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो तो आप जल्दी ही सीख जाओगे, ठीक है। तो ड्राइविंग लाइसेंस का पॉइंट अच्छे से पॉइंट आउट करिएगा, अगर आपका लाइट ड्राइविंग लाइसेंस फिलहाल है तो भाई तुरंत अप्लाई कर दीजिए। अगर कुछ सोर्स हो कि जल्दी आपका हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस आ जाए तो बेनिफिट आपको हो जाएगा, 29 जुलाई से पहले आपका ड्राइविंग लाइसेंस आ जाना चाहिए। तो फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। फ्रेंड्स बेसिकली इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 4
मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका सीबीई कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, डिटेल से बताऊंगा। सेकंड स्टेज में आपका एक पीई एंड एमटी यानी कि फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट एंड मेजरमेंट टेस्ट होने वाला है, डिटेल से बताऊंगा। थर्ड स्टेज में आपका एक ट्रेड टेस्ट होगा जिसमें आपको ड्राइविंग करके दिखानी होगी, उसके बारे में भी समझाऊंगा। साथ ही फोर्थ स्टेज में आपका एक मेडिकल टेस्ट होने वाला है। तो एक एक स्टेज के बारे में डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसकी फर्स्ट स्टेज को जिसमें आपका एग्जामिनेशन होने वाला है और जो कि आपका अक्टूबर मंथ के अंदर होने वाला है। जो आपका एग्जामिनेशन है ना, टोटल चार डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया हुआ है, मतलब चार डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट सेक्शन है हमारा जनरल अवेयरनेस जिससे टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के अंदर ही। सेकंड सेक्शन हमारा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा जिससे 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के अंदर ही। थर्ड सेक्शन हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स रहेगा, इससे केवल 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के अंदर ही। फोर्थ सेक्शन जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, समझिए कहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। फ्रेंड्स, रोड सेंस से आपके क्वेश्चन आएंगे, व्हीकल मेंटेनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ट्रैफिक रूल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, सिग्नल व्हीकल से रिलेटेड, साथ ही एनवायरमेंटल पोल्यूशन से रिलेटेड जैसे कि पेट्रोल डीजल व्हीकल सीएनजी, ठीक है, ऑपरेटेड व्हीकल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, साथ ही नॉइस पोल्यूशन से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। ये जो पूरा सेक्शन रहेगा वो टोटल 50 क्वेश्चंस का रहेगा और 50 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के अंदर ही। 90 मिनट यानी कि डेढ़ घंटा एग्जाम की टाइम ड्यूरेशन रहेगी और एग्जाम में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है। हेड कॉन्स्टेबल की जो पोस्ट निकली हुई है दिल्ली पुलिस के अंदर, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, उसके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन कॉन्स्टेबल ड्राइवर की पोस्ट के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की। और ये वाला जो सेक्शन है ना फोर्थ, जिसमें ट्रैफिक रूल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, मैं इसका कंप्लीट जो सिलेबस है वो मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड कर दिया है, डाउनलोड करके देख लीजिएगा कि कहां कहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। क्लियर है। फाइनली बात कर लेते हैं सेकंड स्टेज के बारे में। जैसे आप एग्जाम को क्वालिफाई कर ले तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल कट ऑफ बनेगी जो कि डिसाइड करेगी कि आप सेकंड स्टेज में एंट्री कर रहे हो या फिर नहीं। सेकेंड स्टेज में आपका पीई फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट होने वाला है, जिसमें आपकी लॉन्ग जंप हाई जंप रनिंग वगैरह होगी और साथ ही आपकी हाइट वेट चेस्ट भी मेजर होगी। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं रनिंग के बारे में। रनिंग फ्रेंड्स सभी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए यहां पर 1600 मीटर होगी जो कि आपको 7 मिनट के अंदर पूरी करके दिखानी होगी। लॉन्ग जंप 12.5 फीट है, हाई जंप जो आपका है वो 3.5 फीट है और लॉन्ग जंप हाई जंप में आपको 3-3 चांसेस दिए जाएंगे। क्लियर है। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए आपको कोई मार्क नहीं दिया जाएगा। इसी दिन आपका एमटी मतलब मेजरमेंट टेस्ट भी होगा, जिसमें सबसे पहले आपकी हाइट मेजर होगी। जहां पर एसटी कैटेगरी को छोड़कर बाकी एससी ओबीसी जनरल वालों की जो मिनिमम हाइट मांगी गई है वो 170 सेंटीमीटर है। एसटी कैटेगरी वालों को हाइट में 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। बाकी जो अदर कैटेगरी है, स्पेशल कैटेगरी है, जैसे कि नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट एरिया से जो बिलोंग करते हैं, गोरखास मराठास जो है, उनको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। फिर जो हिल एरिया से बिलोंग करते हैं उनको भी हाइट में 5 सेंटीमीटर का यहां पर रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। चेस्ट जो यहां पर रखी गई है वो आपकी 81 मिनिमम रखी गई है, 81 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी वालों के लिए, मैक्सिमम 85 सेंटीमीटर, मतलब कम से कम आपको अपनी चेस्ट में 4 सेंटीमीटर का फुलाव, 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन देना ही होगा और 5 सेंटीमीटर का चेस्ट में रिलैक्सेशन है एसटी कैटेगरी या फिर जो अदर कैटेगरी के स्टूडेंट है। समझ गए, ये आपका मेजरमेंट टेस्ट होने वाला है। वेट जो आपका मेजर होता है वो अकॉर्डिंग टू हाइट होता है। तो भाई ये आपका पूरा फिजिकल रहेगा, फिजिकली के लिए कोई भी मार्क नहीं दिया जाएगा, ये केवल आपको क्वालिफाइंग नेचर होगा। जैसे ही फ्रेंड्स आप फिजिकल को क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद आपको थर्ड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा जिसमें आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट जो आपका होगा ना वो 150 मार्क्स का होगा। क्लियर है। ट्रेड टेस्ट में एंट्री करने के लिए सबसे जरूरी है कि आपके पास आपका ओरिजिनल हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड टेस्ट देने के लिए बुलाया जाएगा, वरना आपको गेट से बाहर भेज दिया जाएगा। और फ्रेंड जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होगा ना हैवी मोटर व्हीकल का, वो वेरीफाई किया जाएगा सेंटर के ऊपर ही। अगर वो फर्जी या फिर फेक निकलता है तो आपके खिलाफ यहां पर एक्शन भी लिया जा सकता है। तो भाई जेन्युइन हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और ओरिजिनल लेके आना पड़ेगा, कभी आप फोटोकॉपी लेके चले जाओ ओरिजिनल। क्लियर है। अब जो ट्रेड टेस्ट है 150 मार्क्स का है, ये टोटल चार सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया हुआ है, मतलब चार टास्क आपको दिए जाएंगे ट्रेड टेस्ट के अंदर। पहला टास्क सुन लीजिए, पहला टास्क होगा आपको जहां पर ड्राइव करना होगा लाइट व्हीकल, ठीक है, लाइट मोटर व्हीकल, जैसे कि आपका हो गया कार होती है, जैसे कि फोर व्हीलर जो होता है वो लाइट मोटर व्हीकल में आ जाएगा। जहां पर सबसे पहले आपको लाइट मोटर व्हीकल को
आगे चला के दिखाना होगा, जिसके लिए आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद लाइट मोटर व्हीकल को यानी कि कार वगैरह जो भी होती है पेट्रोलिंग वगैरह की, उसको आपको रिवर्स करके दिखाना होगा जो कि 20 मार्क्स का होगा। साथ ही आपको लाइट मोटर व्हीकल को पार्क करके दिखाना होगा जो कि आपका 10 मार्क का होगा। तो एक टास्क हो गया, ड्राइविंग करनी है आपको लाइट मोटर व्हीकल की, उसके अंदर तीन चीजें आपको करके दिखानी है, मार्किंग मैंने आपको बता दी। जो ये लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग हो गया ना, ये वाला टास्क, ये पूरा जो टास्क है वो आपका 50 मार्क्स का है, ठीक है। और क्वालिफाई करने के लिए आपको 50% मार्क्स लाने ही होंगे, मतलब 25 मार्क्स आपको लाने होंगे लाइट मोटर व्हीकल को ड्राइव करने में, तब आप इस सेक्शन में क्वालिफाई हो पाओगे, समझ गए। सेकंड जो आपका सेक्शन है वो है ड्राइविंग ही आपको करनी है, लेकिन यहां पर आपको हैवी मोटर व्हीकल की ड्राइव करनी है, मतलब जो सिक्स व्हीलर होते हैं, जैसे कि आपका ट्रक होते हैं, बसेस होती हैं, वो आपको ड्राइव करके दिखानी होगी। जहां पर आपको फॉरवर्ड ड्राइव करनी है 20 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, रिवर्स में आपको ड्राइव करके दिखानी है 20 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, और हैवी मोटर व्हीकल को पार्क करके दिखाना है 10 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। सेम प्रोसीजर है, मैक्सिमम मार्क्स 50 हैं और 50% मार्क्स मतलब 25 मार्क्स आपको ला के दिखाने होंगे, तब आप क्वालिफाई कर पाओगे। यानी कि ये जो तीन सेक्शन है ना, जैसे कि फॉरवर्ड सीधा आपको चलाकर दिखाना होगा, ये 20 मार्क्स का है, तो यहां पर आपको 50% मार्क्स मतलब 20 मार्क्स आप 20 में से 10 मार्क्स आपके होने चाहिए। रिवर्स करके दिखाना है, 20 मार्क्स नहीं आए तो कम से कम 10 मार्क्स आपको क्वालिफाई करने के लिए आने चाहिए। पार्किंग 10 नंबर की है, पार्किंग में 50% मार्क्स मतलब 5 मार्क्स आपके होने चाहिए, तब आप क्वालिफाई कर पाओगे। यानी कि हर एक टास्क में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, तब आप फाइनली क्वालिफाई कर पाओगे, और ओवरऑल 25 मार्क्स आपके होने चाहिए, समझ गए। तीसरा जो सेक्शन है हमारा वो है नॉलेज ऑफ ट्रैफिक साइंस आपको होनी चाहिए, साथ ही रोड सेंस आपको होनी चाहिए, साथ ही बेसिक ड्राइविंग रूल्स के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जैसे कि लेन ड्राइविंग किस तरीके से करते हैं, उसके क्या क्या रूल होते हैं आपको पता होना चाहिए, किसी भी व्हीकल को ओवरटेकिंग जब करते हैं उसका प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है, इंडिकेटर किस तरीके से कैसे कैसे देने चाहिए, रोड मैप रीडिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए, जो भी रोड मैप होते हैं वो उसकी समझ आपको होनी चाहिए, रोड मैप को समझने की इफिशियंसी आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो पूरा टास्क है ना, जो पूरा सेक्शन है, 25 मार्क्स का आपको होगा, ठीक है। तो क्वालिफाई करने के लिए 12.5 मार्क्स आपको इसमें लाने होंगे, ठीक है, ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी या फिर देखी जाएंगी, जो भी होगा। चौथा जो सेक्शन होगा ट्रेड टेस्ट का, उसमें नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल होनी चाहिए, यानी कि जो भी व्हीकल है, चाहे आपके पास बस हो, ट्रक हो, या फिर कोई भी कार हो, फोर व्हीलर, उसका मेंटेनेंस की नॉलेज आपको होनी चाहिए। मेंटेनेंस का मतलब यह नहीं कि पूरा इंजन खोल के एक तरफ रख दिया, आपको ठीक करना आना चाहिए, ना, मेंटेनेंस का मतलब है कि उसकी देख रेख आपको आनी चाहिए, जैसे कि व्हीकल का जो है ना टायर प्रेशर, व्हीकल के अंदर जो हवा है वो कितनी होनी चाहिए, टायर का प्रेशर कितना होना चाहिए, ठीक है, पाउंड्स में होती है ना हवा, कि 50 पाउंड्स या फिर 40 पाउंड कितनी होती है, उतनी की आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको मेंटेन रखना है, ठीक है, जो टायर प्रेशर्स है उसको। साथ ही जो बैटरी होती है उसके अंदर जो वाटर लेवल है वो भी आपको मेंटेन रखने की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ ग्रेड ऑयल्स वगैरह की आपको नॉलेज रखनी है, बाकी कूलेंट बेल्ट वगैरह ये जो है पाइप वगैरह की सबकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, सब कुछ आपको मेंटेन रखना है एकदम अच्छे से, ठीक है, व्हीकल को मेंटेन कैसे करना है, तो ये नॉलेज होनी चाहिए। ये सेक्शन भी आपका 25 मार्क्स का होकर क्वालिफाई करने के लिए आपको 12.5 मार्क्स लेकर आने होंगे। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है इस टाइप से कि जो कोई भी कार है ना उसका नॉर्मल जो टायर का प्रेशर है उसमें हवा कितनी होनी चाहिए, ऐसी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। साथ ही जो बैटरी होती है उसका वाटर लेवल कितना होना चाहिए, ये चीजें आपसे देखी जा सकती है, ठीक है। जो बेल्ट वगैरह होती है इंजन में उस चीज से रिलेटेड आपकी पाइप वगैरह होती है, कौन सी पाइप ऑयल की है, कौन सी पाइप जिस चीज की है, वो नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके 4 सेक्शन हो गए, जो पूरा सेक्शन 150 मार्क्स का है, और एक एक सेक्शन को क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स आपको चाहिए वो मैंने आपको बता दिए। फ्रेंड्स, ट्रेड टेस्ट आपका 150 मार्क्स का है, और हर एक सेक्शन को आपको क्वालिफाई करते हुए चलना पड़ेगा, तब आप ओवरऑल ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई कर पाओगे, मतलब 150 में से 75 मार्क्स आपके होने चाहिए जब आप ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई कर पाओगे। हर एक सेक्शन में आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। और जो टेस्ट के 150 मार्क्स है ना, वो फाइनल कट ऑफ को इफेक्ट नहीं करेंगे, क्लियर है, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है, वहीं पर खत्म हो जाएगा ये पूरा आपका किस्सा। फाइनली फोर्थ स्टेज जो ऐप की है, उसमें आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होगा वो पूरी डिटेल नोटिफिकेशन में दे रखी है, नोटिफिकेशन इसका
वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया, डाउनलोड करके देख लीजिएगा। फाइनली आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन जो होगा वो आपके एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। एग्जाम कितने मार्क्स का था, 100 मार्क्स मार्क्स का था, तो फाइनल कट ऑफ जो बनेगी वो 100 मार्क्स में से ही बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि फाइनल आपका सिलेक्शन ड्राइवर की पोस्ट के लिए हो रहा है या फिर नहीं। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन होने के बाद ड्राइवर की पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या मिलेगी। जो आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी रहेगी वो आपकी लगभग 31,000 के आसपास रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। साथ ही जो आपकी फाइनल सैलरी हो जाएगी वो आपकी 80,000 के आसपास हो जाएगी, 80,000 के आसपास सैलरी हो जाएगी, क्योंकि काम करते रहोगे हर साल आपको सैलरी में एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलता रहेगा। जो प्रोफाइल के बारे में बात करें, सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको काम क्या करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली पोस्ट का नाम देखिए, उससे आप समझ गए होंगे ड्राइवर की पोस्ट है, यानी कि दिल्ली पुलिस के अंदर जो उनकी पेट्रोलिंग की गाड़ी कार वगैरह जो भी होती है व्हीकल होता है पेट्रोलिंग करने का, उसमें आपको एज अ ड्राइवर की पोस्ट के ऊपर अपॉइंट किया जाएगा। साथ ही जो उनके ट्रक्स वगैरह होते हैं दिल्ली पुलिस के अंदर, वहां भी आपको एज अ ड्राइवर की पोस्ट के ऊपर अपॉइंट किया जा सकता है। साथ ही जो दिल्ली पुलिस की बसेस वगैरह होती हैं, ठीक है, जो कि कॉन्स्टेबल को इधर उससे उधर ले जाने का काम होता है, जो भी होता होगा एज अ ड्राइवर की पोस्ट के ऊपर आपको अपॉइंट किया जाएगा, समझ गए। साथ ही जॉब लोकेशन के बारे में बात करें, फ्रेंड जॉब लोकेशन आपकी हमेशा दिल्ली कैपिटल के अंदर ही रहेगी, भले ही आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हो लेकिन आपको काम हमेशा आके दिल्ली के अंदर ही करना पड़ेगा। लेकिन जो एग्जाम सेंटर रहेगा वो आपका ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेगा, ठीक है। जो एग्जाम आपका होगा वो ऑल ओवर इंडिया के अंदर होगा। जब आप फॉर्म अप्लाई कर दोगे ना इस पोस्ट के लिए, तो आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम 3 चांसेस मिलेंगे कि आप अपने मनपसंद 3 प्रिफरेंस दे सके एग्जाम सेंटर की, यानी कि आपको अपनी होम स्टेट के अंदर भी एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा, लेकिन फाइनल जो पोस्टिंग होगी वो दिल्ली के अंदर ही होगी, समझ गए। तो भाई ये इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो फॉर्मेलिटी है वो आपके सिलेक्शन के बाद ही होगी, फाइनल कट ऑफ के बाद ही होगा, वो तो बाद की चीज है। तो फ्रेंड्स ये है पूरा सिलेक्शन प्रोसेसर, बड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेसर है और काफी लेंथी है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट अब भी रह गया है ना तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा, वरना मैं आपको इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाऊंगा सोनू अहलावत के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो चलिए दोस्तों, और हाँ अगर आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार आपका सिलेक्शन पक्का कराना है। बहुत सारी मैराथन आपके लिए लेकर आने वाला हूं, बहुत सारी स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आने वाला हूं, बेस्ट बुक के बारे में आपको बताऊंगा और भी बहुत सारी वीडियोज आपके लिए लेकर आऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, पसंद है लाइक करके जरूर जाइएगा, दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।